जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी में अचानक भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर चाय पीने पहुंच गए। अनुराग ठाकुर को अपने घर देखकर पार्टी कार्यकर्ता के परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंडी शहर के रविनगर वार्ड निवासी रामेश्वर उर्फ क्लोडू 40 वर्षों से भी अधिक समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं। जब भाजपा और जनता पार्टी के बारे में कोई जानता भी नहीं था और ना उस वक्त उसका वजूद था, रामेश्वर उस दौर से पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के पार्टी के प्रति स्नेह को देखते हुए अनुराग ठाकुर ने उनके घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। अनुराग ठाकुर कार्यकर्ता के घर गए और जमीन पर जाकर बैठे। रामेश्वर ने अनुराग ठाकुर को मंडी की पारंपरिक पगड़ी पहनाई। रामेश्वर और उनके परिवार का पगड़ी बांधने का पेशेवर काम भी है। अनुराग ठाकुर ने यहां पर चाय पी। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहां कार्यकर्ताओं को ही अधिमान दिया जाता है, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जरूरी है, जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। कार्यकर्ता की ही पार्टी है और जब एक छोटे से परिवार से एक कार्यकर्ता काम करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप समझ सकते हैं इस पार्टी में कार्यकर्ताओं का महत्व क्या है। जो कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब केवल 2-3 घर ही साथ में होते थे, रामेश्वर जी के घर हम आए हैं, चाय पान यहाँ पर कर रहे हैं और चाय से ज़्यादा ज़रूरी इनका प्यार है, इनका मान सम्मान है। पगड़ी भी इन्होंने अपने हाथ से बांधी, चाय भी परिवार के लोगों ने बनाई और जिस तरह से अपनापन था, मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े हमारे नेता भी यहाँ पर आए वो भी इनके घर आते थे क्योंकि तब गिने चुने परिवार ही होते थे। आज पार्टी बढ़ गई, प्रदेश और देश में सत्ता में है, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो अपने कार्यकर्ता के घर आज भी, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के विधायकों के साथ यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शुरुआत में पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। वहीं कार्यकर्ता रामेश्वर इस मौके पर बेहद खुश नजर आए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अपने घर आने पर आभार जताया। अनुराग ठाकुर जी आए थे, वो मिलन एक कार्यक्रम था। मैं 40 से 42 वर्षों से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और मेरे साथ जो भी घर के परिवार के जो वर्कर लोग थे वो भी साथ में थे और सबसे बड़ी अच्छी बात मेरे को ऐसी लगी कि मेरे परिवार से माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे घर में आए और सबसे मिले और बच्चों से मिले, सबसे प्यार किया, तो मेरे को इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि मंत्री महोदया मेरे घर में आए। एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने मेरे को अच्छा मान सम्मान दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इस मौके पर अनुराग ठाकुर के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और विधायक विनोद कुमार और इंद्र सिंह गांधी सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का देवभूमि हिमाचल और छोटी काशी मंडी में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि हिमाचल को यह मान सम्मान देने के लिए हृदय से आभार। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है और लिखेगा।